वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज श्री दरबार साहब अमृतसर साहब विखे श्री अकाल तख्त साहब ते मत्था टेक के सतगुरु साहब पातशाह के जोदड़ी करन तो बाद गुरमत मर्यादा का ख्याल रखदियां कुंवर विजय प्रताप सिंह जी का सिख जथेबंदी दरबारे खालसा समूह सिख संगत वल्लों बीबी नसीब कौर सपत्नी सरदार परमजीत सिंह पम्मा के विशेष सहयोग के नाल सोने की श्री साहब के नाल सन्मान होया। इहदा कारण यह है कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी ने कुंवर विजय प्रताप सिंह दे उपर ये रहमत की हुई है कि भावें यह आई जी ऑफिसर सीगे जदों सिट दे विच इको एक सरगर्म मैंबर सी जेड़ा वड्डे वड्डे राजनीतिक लीडर बादल वर्गियां दियां अखां च अखां पा के गल कर सकदा है और इहदे नाल नाल भावें उच्च अधिकारी होण डी जी पी सुमेत सैनी वर्गे जा परमराज उमरा नंगल वर्गे। सो दुनिया भर में बसते हुए सिखां नूं इन्हां तों बहुत वड्डी उम्मीद पहलां भी सी ते अज भी है। अज विधानसभा दे विच पहुंचे ने और उत्थे भी हर तरह के दबाव तों उपर उठ के इन्हां ने डट के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी के मसले ते अते कोटकपुरा बैबल कलां गोलीकांड के मसले के उत्ते डट के आवाज़ बुलंद की है। इस करके असी इन्हां दा सन्मान करते हुए माण महसूस करते हैं और गुरु पातशाह के जोदड़ी करते हैं कि जिवें कुंवर विजय प्रताप सिंह ने विधानसभा विच डट के आवाज़ बुलंद की इस तरह बाकी दे भी सारे MLA साहबान जिहड़े ने वो विधानसभा विच इस मसले के उत्ते अपनी बनदी भूमिका निभाउण और जिहड़ा बेअदबी घटनाक्रम के मास्टर माइंड ने जा गोलीकांड के मास्टर माइंड ने उन्होंने उत्ते सख्त कार्रवाई होवे तां जो भविख दे विच इहो जी कोई घटना ना वापरे। यही अज साडा इत्थे संखेप दे विच समागम सीगा। सिर्फ 2 मिनट वीर हरजीत सिंह ढपाली तुहाडे नाल सांझ पाउणगे जी। सवाल है कि कल्ले कुंवर विजय प्रताप होणा उहना मुद्दा चुक्किया गया, पूरे पंजाब च बहुत सारे MLA ने, साबका MLA भी ने, कारण की है उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का दर्द नहीं है कि सिर्फ इस कल्ले बंदे नूं दर्द है? देखो ये तो उही जानदे MLA साहब जिहड़े कृपाना पा के भी उत्थे मुद्दा नहीं चुक रहे, पर सानू इस गल ते माण है कुंवर विजय प्रताप सिंह ते, असी किसे बंदे दे पुजारी नहीं आ, हुण तक इन्हां दी भूमिका नूं सल्यूट करदे आ ते सानू भविख दे विच भी उम्मीद है चंगी भूमिका निभाउणगे। और जिहड़ा बाकियां नूं भी असी कहने आ कि नहीं तां वेख लो बादलां दा, कैप्टन दा, चन्नी दा की हशर होया, जिहड़ा गुरु नाल मत्था लाउंदा उहदा मत्था लाजमी फुटदा जी। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲਾਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IG ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ अपनी बनती भूमिका निभाऊगा असी उन्हां नूं सल्यूट करांगे, सत्कार करांगे। हमेशा हर एक सच्चे सिख दा जिहड़ा फर्ज है वह बनदा है ते उही असी निभाउण दा जतन कर रहे हां। अज इन्हां दा सन्मान है और मैं दसना चाहुंदा कि 24 जुलाई दिन ऐतवार नूं तख्त श्री दमदमा साहिब विखे गुरसेवक सिंह मलके जिन्हां ने कि बहुत वड्डियां वड्डियां ऑफरां ठुकरा के, जिन्हां नूं वड्डे वड्डे लालच मिल रहे सी, सारे ठुकरा के उन्हां ने गवाही दित्ती
और मल के बेअदबी घटनाक्रम का जिहड़ा हल होया दोषियां सजावां तक पहुंचे उन्होंने भी सम्मान जिहड़ा रखिया होया जी। बाकी आप गलबात बाद कर लें, दो मिनट दो शब्द जिहड़े ने वह वीर हरजीत सिंह ढपाली कहने। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समुची प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास में एक घटना, दीवान कौड़ा मल जी भावें वह सिखा रिलेटड नहीं सन, बखरी कम्यूनिटी बिलोंग करते, पर हमेशा उन्होंने सरकार च रहिंदिया सिखा की गल की, इंसाफ की गल की। सो वह भी सिखा के दिलों के अंदर विशेष मान सत्कार रखते हैं। सो अज कमर विजय प्रताप सिंह जिन्हों अज दरबारे खालसा जथेबंदी वालों तो माता नसीब कौर होना वालों समूह सिख संगत वालों मान सम्मान दिता गया, और यही कारण भी इन्होंने मतलब कि गैर सिख होंद भी इन्होंने एक शब्द कहे कि मैं पटना साहब बिलोंग करदा, जिथे कलगीधर पातशाह महाराज का पावन प्रकाश होया सी, इन्होंने उस पटना साहब की धरती की भी लाज रखी आ। तो एक गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जिहड़े मानवता के गुरु गुरु ने उन्हां दा प्यार इन्होंने इजहार किया अपने जिहड़ियां बड़िया बड़िया ऑफरां जिवें माझी वीर हुणां दस्सिया इन्होंने ठोकर मारी आ आई जी तक की नौकरी। इत्थे अज आपां वेखदे हां भी एक सिपाही भर्ती होण लई किन्ने किन्ने जफर जलने पै रहे आ। टॉप ते पहुंच के गुरु ग्रंथ साहब के प्यार सत्कार लई इन्हां ने अपनी नौकरी ठोकर मारी, ते अज सरकार च रहिंदिया होइआं विधानसभा च इन्हां दी स्पीच सुन के वेखो, मैं कहना भी रोंगटे खड़े हो जांदे ने। सल्यूट करदे आ असीं इन्हां नूं, इसे लई अज असीं इन्हां दा इह मान सन्मान कीता ते भविख च उम्मीद करदे आ। सो नाल ही जिवें वीर माझी हुणां ने कहा कि जिहड़े बाकी MLA साहिबान ने जिहड़े अपने आप नूं दावा करदे ने कि असीं गुरु दे सिख हां, सिरां ते दस्तारां सजाईआं होईआं ने, जिन्हां ने आपदे बच्चों के ब्याहां शादियां वेले गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराउंदे ने, उन्हां नूं बेनती आ भी कुंवर विजय प्रताप सिंह हुणां तों सेध लैण, किनका मात्र वह भी इस पासे नूं तुरन, तां जो जिन्हां ने बेअदबी की आ जिहड़े मास्टर माइंड ने बादल परिवार जिन्हां दी जिन्हां ने पुष्ट पनाही की आ उन्हां नूं आपां सजावां तक लैके जा सकीए। होएगा तां जे सारे MLA साहिबान आवाज़ नूं अंत करनगे। अज कुंवर विजय प्रताप सिंह हुण आउंदा जो इन्हां ने हा दा नारा मारिया असीं उहदे लई इन्हां दा धन्नवाद करदे हां, ते इन्हां तों भविख च वी उम्मीद करदे हां जिवें इन्हां ने प्रोमिस किया पूरी दुनिया च वसदे लोकां नाल कि गल नूं असीं इंसाफ तक लैके जावांगे, जिथे साडी ड्यूटी लगेगी असीं अपनी संविधान विच रहिंदे होए इस ड्यूटी नूं तनदेही नाल निभावांगे। लेकिन अज एक बहुत वड्डी गल है कि तुहानूं सन्मान किया जा रहा कई सिख जथेबंदियां वल्लों, कारण की कहना चाहोगे इहदे बारे? देखो मैं तो इन्हां सारिआं दा समूह संगत का धन्नवाद करांगा। सरदार हरजिंदर सिंह माझी साहब आए ने, परमजीत सिंह जी आए ने लुधियाने तो, मैं सारिआं दा धन्नवाद करांगा जी। दूसरी गल जिथे तक मेरा सवाल है, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि पिछले साल मैं नौकरी छड्ड दित्ती सी क्योंकि 9 अप्रैल नूं जो ऑर्डर आया सी मानयोग हाई कोर्ट वालों, उस तो बाद जो हालात बने, जो सरकमस्टांसिस क्रिएट किए गए खासकर राजनीतिक लोगों वालों, उन्हां हालातों के विच मैं ये समझा कि हुण लड़ाई नौकरी तो बाहर लड़नी चाहिए है, तो फिर मैं अपनी नौकरी छड्ड दित्ती। बाद दे विच मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। हुण देखो जो चीज़ ये कह रहे हैं कि विधानसभा दे विच, मैं तो विधानसभा दे विच क्योंकि लोगों ने मैनू ऐसे काम वास्ते भेजिया सी कि लोगों का मुद्दा उठाना है, तो मैं सिर्फ तो सिर्फ यही कहांगा कि मैं अपनी बाकी दी जिंदगी पंजाब दे लोकां लई ते पंजाबीयत लई, पंजाब दे लोकां लई ते पंजाबीयत दे लई मैं समर्पित करांगा जी बाकी दी सारी जिंदगी, क्योंकि मैनू अपने वास्ते कुछ नहीं करना है, असि पंजाब दे लोकां वास्ते सारा कुछ करना है। बादल किन्ने क दोषी ने? बादल साहब किन्ने क दोषी ने? एक रिपोर्ट नू लैके बार बार वह खुश होंदे ने कि सानू क्लीन चिट मिल चुकी हुई है, वह रिपोर्ट भी सी देखो, मैं तो यही बार बार ये बोलता हाँ कि वो रिपोर्ट किस SIT की है, वो SIT कदों बनाई गई सी, वो रिपोर्ट किस नू ते कित्थे दित्ती गई सी, वो केस दे संबंध दे विच सी, एक क्लीयर होना चाहिए है। जो दे एक क्लीयर होगा उस तो बाद ही कोई खुश होन, लेकिन किसी नू खुश होने की लोड़ नहीं है। और मैं यही कहांगा कि देखो इंसाफ एक तो अदालतों दे विच हुंदा है, एक कचहरी जनता दी हुंदी है, एक कचहरी परमात्मा दी हुंदी है। मैं जो नौकरी छड्डी सी बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 2021 नू, मेरा फेसबुक पोस्ट तुसी देख सकते हो, मैं ये भी कहा सी कि मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच रख दिती है, और कानून दी मेरी जानकारी ते मेरी बुद्धिमता दे मुताबिक उस तो ऊपर कोई अदालत नहीं है, तो उस अदालत वालों देखो बहुत मतलब तुसी कहोगे कि इंसाफ हो रहा है, वो सारी संगत वेख रही है गुरु गोबिंद सिंह जी इंसाफ कर रहे ने। एक होर चलो एक उम्मीद की किरण जागी है कि पिछे एक मानयोग हाई कोर्ट वालों फैसला आया सी,
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ IPS ਮਾਂਝੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਤਫਤੀਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। 17 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? 17 ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।